तो अब हम लोग कुछ सरल उदाहरण लेंगे और उसके आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग किस तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक तो हम लोग जानते ही हैं कि 0 0 होता है, और ये कितना, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं जो क्षैतिज होता है, और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं नहीं भी लिखता हूं तो आप समझ जाएं कि क्षैतिज रेखा को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष बोलते हैं। यह एक सामान्य परिपाटी है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए और बी दो बिंदु दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस ए और बी बिंदु जो हैं उनके निर्देशांक क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पेन ले लेता हूँ। तो अगर हम लोग ए बिंदु के निर्देशांक देखें तो इस पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स निर्देशांक, उसके बाद लिखते हैं वाई निर्देशांक। तो आप अगर मूल बिंदु से देखें तो ए पर पहुंचने के लिए आपको कितने एकक दूरी जाना होगा, यहां से यहाँ एक एकक दूरी और फिर यहाँ से यहाँ दो एकक दूरी। ठीक है, तो उस ए बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो इसका नेम भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं बिंदुओं का नाम लिखने के लिए। तो इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स निर्देशांक हो गए 2, और चूंकि ए बिंदु तक पहुंचने के लिए आप वाई दिशा में नहीं जाते हैं इसलिए आप लिखते हैं वाई निर्देशांक 0। उसी तरह से अगर इस बी बिंदु के बारे में सोचा जाए तो बी बिंदु के निर्देशांक कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि आप मूल बिंदु से 5 एकक की दूरी गए हैं एक्स दिशा में, इसलिए बी बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 5, और उसके बाद लगाते हैं कोमा, और वाई निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि वाई में आप नहीं गए हैं इसलिए होगा 0। तो ए बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 0 और बी के होंगे 5 0। अब सोचिए कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां की जो दूरी है वह कितनी है, 2 एकक। ठीक है, क्योंकि आप 2 एकक ही गए हैं यहां से यहां ए तक पहुंचने के लिए, और बी तक पहुंचने के लिए का कितना आपको जाना पड़ेगा, 5 एकक। ठीक है, 5 एकक गए। अब आपको पूछा जा रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो ए ये देखिए, ए यहां था और बी इसके इसके पास था, तो इसका मतलब आपको निकालना कितना है, यहां से यहां की दूरी। ठीक है, यहां से यहां की दूरी। तो क्या होगा कि आप बड़े वाले दूरी में से अगर छोटे वाले दूरी को अगर घटा देते हैं तो आप क्या पाते हैं कि यही दूरी आपको मिलेगा। तो बड़ा वाला दूरी कितना था, 5, और छोटा वाला दूरी कितना है, 2, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल बिंदु से सॉरी ए और बी के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर दो बिंदु दिखाए गए हैं, पी और क्यू, इन दोनों के बीच की भी दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाय द वे इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष। आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और पी और क्यू बिंदु के निर्देशांक खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पी बिंदु के निर्देशांक। देखिए यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3, यहाँ पर कितना हो गया, 4। इसी तरह से हम लोग ऊपर चलते चले जाएंगे तो पी बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 0 1। क्यों, क्योंकि एक्स में हम लोग को नहीं जाना पड़ा, हम लोग जब पी बिंदु पर जाते हैं तो सिर्फ वाई दिशा में जा रहे हैं, एक्स दिशा में तो जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए एक्स निर्देशांक 0, और वाई दिशा में कितना जाना पड़ा, 1 एकक, इसलिए पी बिंदु के निर्देशांक कितना हुआ, 1 0 1। उसी तरह से क्यू बिंदु का निर्देशांक अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो उसके निर्देशांक कितना हो जाएंगे, 0 और 4। ठीक है, तो इस तरह से P और Q बिंदु के निर्देशांक हम लोगों को मालूम हो गए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि P और Q बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर आप अच्छे से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी, मतलब हाँ, इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो आपको पहले से मालूम है कि हमेशा 0 0 होता है। तो O से P की दूरी कितनी हो गई, आप कितना यूनिट गए ऊपर, 1 यूनिट, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1, यानी कि O से P की दूरी 1। और उसी तरह से अगर आप O से Q के बीच की दूरी देखें यहां से यहां, तो आपको कितना मिला, 4 एकक। ठीक है, तो O से P की दूरी 1 एकक, O से Q की दूरी 4 एकक। लेकिन आपसे पूछा क्या गया था कि P और Q के बीच की दूरी क्या है, यानी कि P और Q के बीच की दूरी तो यही है, P से लेकर के Q के बीच की दूरी ये है। तो ये दूरी जो है वो कितना हो जाएगी,
बड़ी दूरी जो है वो अ माइनस छोटी दूरी, यानी कि ओ क्यू अ माइनस ओ पी, आप सब यहाँ पर सिंबल में भी लिख सकते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी, यही था हम लोगों का पी क्यू। पी क्यू बराबर क्या, पी क्यू बराबर क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू कितना था, चार, और ओ पी कितना है, एक, तो चार में से एक गया तो तीन। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि पी ये बिंदु और Q ये बिंदु, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 3 एकड़। तो ये दोनों बहुत सरल उदाहरण थे। चलिए अब एक और उदाहरण पर विचार करते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु दिखाया गया है F, ठीक है, दूसरा एक पेन ले लेते हैं। तो इस बिंदु का जो यहाँ पर दिखाया गया है F, तो हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि F बिंदु का मूल बिंदु से कितना दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो मूल बिंदु को O से दिखाते हैं और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, शून्य शून्य। तो हम लोग पता करना चाहते हैं कि O से जो F है वो कितना दूर है, ये दूरी पता करना चाहते हैं, O से F के बीच की दूरी। तो वो दूरी पता करने के लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि F के निर्देशांक कितने हैं, ठीक है। तो उसके निर्देशांक मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काउंट करना शुरू करते हैं कि ये एक्स में कितनी दूर पर अवस्थित है और वाई में कितना दूर जाना पड़ेगा जिससे कि आप एफ बिंदु पर पहुंच जाएं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, आपको 4 एकक जाना पड़ा इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस बिंदु से अगर आप लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर तो वो कहाँ आकर के मिलेगा, चौथे एकक पर। और उसी तरह से इस बिंदु का यहाँ पर अगर आप लंब डालेंगे यहां से यहां तो कितना जाना पड़ेगा, ये देखिए, ये दूरी देखिए, आपको वाई दिशा में कितना जाना पड़ा, 1, 2, 3, आप लिख भी सकते हैं 1, 2, 3। तो एक्स दिशा में 4 एकक जाना पड़ा और वाई दिशा में आपको 3 एकक जाना पड़ा, इसलिए आप इस बिंदु का जो निर्देशांक है उसको लिख सकते हैं 4, 3, एक्स निर्देशांक पहले, वाई निर्देशांक बाद में, और बीच में कोमा। तो एफ के निर्देशांक इस तरह से पता चल गए कि 4,3 है। अब हम लोगों को पता करना है कि ओ और एफ जो दूरी है वो कितनी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप त्रिभुज ओ एफ और इसका मान लेते हैं नाम है ई, सपोज दैट, मानिए कि इस बिंदु का नाम है ई, तो अगर आप त्रिभुज ओ ई और एफ पर विचार करें तो त्रिभुज ओ ई एफ क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण है। क्यों, क्योंकि कोण ई जो है, कोण ई वो 90 डिग्री पर है। क्यों, क्योंकि हम लोग एफ से ई पर एक लंब खींचते हैं तभी जाकर के हम लोग पता करते हैं कि ये इसका एक्स निर्देशांक कितना होगा। ये जैसे कि यहाँ पर एक्स निर्देशांक मालूम है कि 4 है, तो जब आपको मालूम है कि त्रिभुज ओ ई एफ एक समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में एक विशेष जो संबंध होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ओ एफ का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एफ यहाँ पर क्या है, ओ एफ है कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ ई आधार का स्क्वायर प्लस ई एफ, EF जो है वो लंब का स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को निकालना OF ही है तो OF का स्क्वायर रहने देते हैं, और OE हम लोगों को मालूम है O से E के बीच की दूरी कितना है, 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर प्लस EF कितना है, E से F की दूरी, ये वाली दूरी, या फिर इसको यहां से भी देख सकते हैं EF, तो ये कितना है, 3 यूनिट, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 9 = 25 ओ एफ स्क्वायर। तो यहाँ से आप ओ एफ निकालने के लिए कुछ नहीं, आपको 25 का वर्गमूल निकालना होगा जो कि 5 है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर नकारात्मक चिन्ह को नकार दिया है, तो बस धनात्मक चिन्हों को रखा गया है, ठीक है। तो ओ से एफ की दूरी अब कितनी हो गई, 5, यानी कि ये दूरी जो आप देख रहे हैं वो कितनी है, 5। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने दो पहले वाले केस में देखा, यहाँ पर तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाने का नहीं बल्कि बहुत साधारण शब्दों में से निकल गया था कि दूरी कितनी है ए और बी की, उसी तरह यहाँ पर हम लोग को पता चल गया था कि पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है। लेकिन जब हम लोग ये तीसरे आकृति 4 में अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग को ये दिखा कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके दूरी निकाल सकते हैं।
अब हम लोग फिर विचार करते हैं एक और उदाहरण पर, आकृति 5 को लेते हैं और इसमें विचार करते हैं कि अब P और Q बिंदु के बीच में बीच की दूरी को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बिंदु दूरी निकालने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है कि आप उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पहले से पता कर लें, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए। तो P बिंदु का सबसे पहले हम लोग निर्देशांक निकालते हैं। चूंकि P बिंदु Y अक्ष पर स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, Y अक्ष, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सॉरी, X अक्ष। तो इस P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो आपको ऊपर कितना जाना पड़ा, 1, 2, 3, 3 यूनिट आपको ऊपर जाना पड़ा, इसलिए उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0, 3। जीरो पहले क्यों, क्योंकि एक्स में तो आपको जाना नहीं पड़ा, इसलिए एक्स निर्देशांक 0। उसी तरह से क्यू के निर्देशांक क्या होंगे, 1, 2, 3, 4। तो इसके एक्स निर्देशांक 4 और वाई निर्देशांक 0, तो क्यू के निर्देशांक क्या हो गए, 4, 0। अब पी और क्यू को मिला दीजिए, रुकिए मैं किसी दूसरे कलर से मिला देता हूँ, ये मान लेते हैं पी और क्यू को हम लोगों ने मिला दिया। तो हम लोगों को दूरी पी क्यू ही निकालनी है। अब आप देख सकते हैं कि पी क्यू और इस बिंदु का नाम क्या है, ओ मान लेते हैं। ओ जो है वो मूल बिंदु है, इसकी जो निर्देशांक होती है वो शून्य शून्य होती है। तो ओ पी क्यू अगर इस त्रिभुज में आप देखें, त्रिभुज ओ पी और क्यू में अगर आप देखें, तो कोण ओ जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, यानी कि ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। चूंकि एक कोण 90 डिग्री है, तो यह त्रिभुज ऑटोमेटिक समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम लोग लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहां पर पी क्यू कितना है नहीं मालूम है, तो इसको हमको निकालना है। और ओ पी कितना है, ओ से पी के बीच की दूरी कितनी है, 3 यूनिट, तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ओ से क्यू के बीच की दूरी कितना है, 4 यूनिट, तो 4 का स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, ये फिर से कितना हो जाएगा, 25, जो कि पी क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप पी क्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल, जो कि 5 आता है। ठीक है, तो पी क्यू जो है यहाँ से पी से क्यू के बीच की दूरी 5। फिर से आपने क्या देखा यहाँ पर कि दूरी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि दूरी निकालना बहुत आसान बना देता है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल से आकृति 4 और आकृति 5 में यह देख चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग बहुत आसानी से दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं कि दो बिंदुओं में से एटलीस्ट कम से कम एक बिंदु अभी तक जो हम लोगों ने लिया है उसमें या तो दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर हैं, दोनों बिंदु वाई अक्ष पर हैं, या फिर एक बिंदु मूल बिंदु ही है, या फिर दोनों बिंदु ही एक्स और वाई अक्ष पर अवस्थित हैं, इस तरह से। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई एक साधारण बिंदु लिया जाए, सामान्य बिंदु जो कि अक्ष पर स्थित ना हो, तो फिर उस बिंदु का कैसे हम लोग दूरी निकालेंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि P और Q जो कि अक्ष किसी भी अक्ष पर स्थित नहीं है और ना ही मूल बिंदु है, तो इस P और Q के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग P और Q को मिला देते हैं। तो हम लोगों को ये दूरी चाहिए कि असल में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। फिर से यहाँ पर ये क्या है, x अक्ष, y अक्ष, ठीक है। तो उस दूरी को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं कि P बिंदु और Q बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं। मैंने सुविधा के लिए इस बार पहले से ही निर्देशांक लिख रखे हैं। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से आप x अक्ष पर लंब डालेंगे तो वो मूल बिंदु से उसकी दूरी क्या कहलाती है, x निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, तो इस बिंदु के जो x निर्देशांक हैं वो 3 हैं। और y निर्देशांक के लिए क्या करने होंगे, आपको y अक्ष पर एक लंब डालना होगा, ये लंब। तो देखिए वो कितनी दूर है मूल बिंदु से, मूल बिंदु को मान लेते हैं O और उसका निर्देशांक क्या है, 0, 0। तो ये कितना दूर जाना पड़ेगा, ऊपर, 1 और 2।
इसलिए इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं एक्स निर्देशांक 3 और वाई निर्देशांक 2, यानी कि एक्स में 3 जाना पड़ा और वाई में 2। अब हम लोग क्यू बिंदु की बात करें तो क्यू से हम लोग फिर क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं और वाई अक्ष पर भी लंब डालते हैं। तो ये बिंदु एक्स अक्ष में मूल बिंदु से कितना दूर है, तो यहाँ 3 तक तो हम लोग पहले काउंट कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6। तो देखिए एक्स निर्देशांक 6 और यहाँ से ऊपर जाइए तो क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो 4 में हम लोग को मिल गया, तो वाई निर्देशांक कितना हो गया, 4। तो एक्स निर्देशांक 6 और वाई निर्देशांक 4, तो क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 6,4। चलिए अब हम लोग निर्देशांक निकाल चुके हैं, आपको एक और चीज जो करनी होगी यहाँ पर वो ये करनी होगी कि पी बिंदु से, और आप कुछ नाम रख दें, जैसे कि क्यू से जो आप लंब डाले थे एक्स एक्स पर उसका नाम हम लोग आर रख देते हैं, और पी से जो डाले थे तो इस बिंदु का नाम एस रख देते हैं। तो ये आर और ये एस, उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लेते हैं कि एम, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं एन। तो हम लोग क्या करते हैं कि P से रेखाखंड Q और R पर एक लंब खींचते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये एक लंब हम लोगों ने खींचा किस रेखाखंड पर, QR रेखाखंड पर, और इसका भी नाम रख देते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं कि T, इस बिंदु का नाम क्या है, T। अगर आप गौर से देखें तो त्रिभुज P T Q, अगर आप त्रिभुज सॉरी आप त्रिभुज पी टी क्यू में कोण टी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो चूंकि एक कोण समकोण है, इसलिए क्या होगा कि हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज पी टी क्यू में ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू कर्ण है। फिर उसके बाद क्या है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को पी क्यू ही निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले जानते हैं कि पी टी कितना है और क्यू टी कितना है। तो पी टी जो है पी से टी के बीच की दूरी वो कितनी होगी, आप देख चुके हैं कि इस पी और टी को निकालने के लिए हम लोग को पी, जैसे कि पी टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, अगर एक्स एक्स पर देखें तो इस बिंदु का नाम क्या था, आर, और इस बिंदु का नाम तो एस है, ठीक है। तो पी टी और एस आर असल में बराबर है, ठीक है। और एस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस और आर के बीच की दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर माइनस ओ एस, यानी कि एस आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर माइनस ओ एस। और ओ आर तो हम लोग को मालूम है, ओ आर कितना है, 6, और ओ एस कितना है, 3। तो 6 माइनस 3, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, यानी कि पी टी जो है वो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो क्यू टी है वो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 तो 2। तो ये हो जाएगा कि ये हम लोग देख लिए थे पी टी 3 है और क्यू टी कितना हो जाएगा, 2। तो हम लोग अब आसानी से इस इक्वेशन में रख करके पता कर सकते हैं कि पी क्यू कितना होगा। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी टी जो कि 3 का स्क्वायर प्लस क्यू टी जो कि 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो 13 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पर फिर से हम लोगों ने देखा कि अगर दो सामान्य बिंदु दिया हुआ हो, ठीक है, जो कि निर्देशांक अक्ष पर नहीं स्थित हो और ना ही मूल बिंदु हो, तो भी उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहले आपको दोनों बिंदु के निर्देशांक मालूम होने चाहिए, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और सामान्य बिंदु पर बात करते हैं जो कि दूरी सूत्र को स्थापित कर देगा और हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद दूरी निकालना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि एक परिरेखा जो है हम लोग उसको एक्स अक्ष कहते हैं, ये तो वाई अक्ष हो गया, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पर दो बिंदु दिखाए गए हैं P और Q। अगेन हम लोग क्या चाहते हैं फिर से कि P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए, लेकिन इस बार हम लोगों ने P का कोई पहले से नाम नहीं दे रखा है, बल्कि इसका यह एक सामान्य बिंदु है जिसमें एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। तो X1 Y1 यहाँ पर एक नाम है और यहाँ पर X2 Y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर से फिर क्या करते हैं कि एक्स और वाई अक्ष पर लंब डालते जाते हैं प्रत्येक बिंदु से। तो जैसे यहाँ पर दो बिंदु पर मैंने डाल दिया, फिर दो यहाँ पर भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब डाल देते हैं, ठीक है। चूंकि एक्स अक्ष पर हम लोगों ने लंब डाला तो इसका मतलब ये है कि ये मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु का निर्देशांक ओ होता, सॉरी मूल बिंदु का नाम ओ होता है और निर्देशांक शून्य शून्य होते हैं, तो ये ओ है। और इस बिंदु का नाम भी हम लोग रख देते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं कि ये एस, ये आर, ठीक है, इसको मान लेते हैं एम और इसको एन, ठीक है। इस बिंदु का नाम है एम, ये एन, ये एस, ये आर, ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ओ से एस के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले से ही चूंकि इस पी बिंदु जो कि यहाँ पर था, इसके निर्देशांक क्या है X1 Y1, तो चूंकि हम पी बिंदु से यहाँ पर लंब डाले थे एक्स अक्ष पर, इसलिए ये दूरी क्या हो जाएगी X1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स निर्देशांक क्या होता है उस बिंदु से जो हम लोग लंब डालते हैं एक्स अक्ष पर, तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, ठीक है, X1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी Y1। फिर उसी तरह से अगर हम लोग R की बात करें तो R कितने दूर पर होगा X2 पर, और M कितने दूर पर होगा Y2 पर, ठीक है। तो OS कितना हुआ X1, उसी तरह से OR कितना हो जाएगा X2, उसी तरह से ON कितना हो जाएगा Y1 और OM कितना हो जाएगा Y2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु से रेखाखंड QR पर एक लंब डालते हैं और इसका नाम दे देते हैं T, ठीक है, ये T। अब आप फिर से देख सकते हैं कि त्रिभुज, ये त्रिभुज में PTQ, त्रिभुज PTQ में क्या देखते हैं कि कोण T जो है वो कितना है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को लंबवत ये काटते हैं, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है, कोण T इक्वल टू 90 डिग्री। अब चूंकि एक कोण 90 डिग्री है एक त्रिभुज में, तो ये समकोण त्रिभुज है और हम लोग आप पाइथागोरस प्रमेय का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने से क्या पता चलता है कि PQ² = PT² + QT²। अब हम लोग को पता होनी चाहिए कि PT कितना है और QT कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं PT जो है, PT बराबर कितना हो जाएगा, असल में आप अगर चित्र को देखिएगा आकृति 7 को, तो PT बराबर कितना होगा एस आर के बराबर होगा, जितना P से T, ओके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए ये P से T के बीच की दूरी जो ये है वही है कितना एस और आर के बीच की दूरी, ये ठीक है एस आर के बीच की दूरी, और ये दूरी कितनी होगी एस आर के बीच की दूरी जो होगी वो सिंपली क्या होगी OR - OS, मूल बिंदु से आर की दूरी उसको घटा देंगे मूल बिंदु से एस की दूरी, तो एस और आर के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो ओ आर कितना था X2 और ओ एस कितना है X1, तो ये PT कितना हो गया X2 - X1। उसी तरह से हम लोग अगर ये PT निकल गया, अब हम लोग QT निकालेंगे, ठीक है, तो QT बराबर क्या होगा अगर आप देखें, तो फिर मैं कलर चेंज करता हूं, तो Q और T के बीच की ये जो दूरी है असल में M और N के बीच की दूरी के बराबर है। तो QT बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर से वो कलर ले लेते हैं। तो QT जो है वो कितना हो जाएगा M N के बराबर, और यहाँ पर M N क्या है OM - ON, ठीक है, और यहाँ पर ये ओ आर मिट गया था, ठीक है। तो OM - ON, अब हम लोग देखते हैं कि ओ से एम के बीच की दूरी कितनी है। तो ओ से एम अगर देखें तो ये कितना था Y2, और ON कितना था ओ से एन के बीच की दूरी Y1, तो Y2 - Y1। तो हम लोग अब PT भी जानते हैं कितना है, QT भी जानते हैं, उन दोनों को लिख देते हैं तो हमें एक सामान्य सूत्र मिल जाएगा। तो PT कितना था X2 - X1, X2 - X1 इसका स्क्वायर, अब प्लस
क्यूटी कितना है, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन और इसका स्क्वायर, तो ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग फिर से पी क्यू को लिखें तो उसका क्या करना होगा, सिर्फ पी क्यू निकालने के लिए आप वर्गमूल ले लीजिए इस एक्सप्रेशन का, तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक सामान्य सूत्र हो गया। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें और ध्यान कर लें इस फॉर्मूले को, क्योंकि हम लोग बार बार इसका उपयोग करेंगे। यह एक सामान्य सूत्र है दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का, जिसमें प्रथम के निर्देशांक क्या थे, ऊपर के फिगर में अगर आप देखें तो प्रथम के निर्देशांक थे एक्स वन वाई वन और दूसरे के निर्देशांक क्या थे एक्स टू वाई टू। अगर आप इस समीकरण इस व्यंजक को अच्छी तरह से अगर देखें पी क्यू को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो जगह पर स्क्वायर है अंदर में और ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन का अगर स्क्वायर की बात करें तो इसको हम लोग और किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस अगर कोमा ले लें तो ये कैसा दिखेगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन का स्क्वायर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, लेकिन माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है प्लस वन, जो कि वन ही रहेगा, और एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर, तो ये वन को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रह जाता है एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर। तो आप क्या देखते हैं कि एक्स टू माइनस एक्स वन का जो स्क्वायर है वह सेम ही है किसके, एक्स वन माइनस एक्स टू के स्क्वायर का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स टू को पहले लिखते हैं या एक्स वन को पहले लिखते हैं, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको एक धनात्मक संख्या मिलेगी और वो उसी तरह की होगी जो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर हो या फिर एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर हो। और यह सत्य वही चीज लागू होता है किसके लिए, वाई टू माइनस वाई वन के लिए। आप चाहें तो इसको वाई वन माइनस वाई टू भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम एक्सप्रेशन देगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि पी क्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं नए तरीके से, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, और इन दोनों ही एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है। मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्सप्रेशन वन, ठीक है, और ये दूसरा एक्सप्रेशन। तो अगर आप पी क्यू को यहाँ देखें या यहाँ देखें, इस दोनों में क्या है, जस्ट एक्स वन और एक्स टू को बदल दिया गया है, उसी तरह वाई वन वाई टू को बदल दिया गया है और बाकी सब चीजें सेम ही हैं। तो ये दोनों ही वैध तरीके हैं लिखने के और दोनों ही एक ही जैसे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक्स टू माइनस एक्स वन का जो स्क्वायर है उसको हम लोग एक्स वन माइनस एक्स टू के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, जो कि दोनों सेम ही है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक्स टू में से एक्स वन को घटा सकते हैं या फिर एक्स वन में से एक्स टू को घटा सकते हैं और आपको हर हमेशा आंसर एक जैसे ही मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि कार्तीय तल या फिर निर्देशांक तल में दूरी की अवधारणा क्या होती है और दो बिंदुओं के बीच दूरी किस तरह से परिकलित कर सकते हैं।